हाय बच्ची, देखो तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा और तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे दोनों लोग की। 500 रुपए नगद? नगद कई घंटा के लिए? कई घंटा के लिए? कई घंटा मिल जाए? 500 बस सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में 500 रुपए? हाँ भाई, नहीं दिन भर बढ़िया फरुआ भंजो तो हाँ, लेकिन घंटा वो मिले यहाँ जाने रहे हो? 2 मिनट में? जैसे 4 मिनट में रुके तो और मिले? अरे नहीं कहे, और रुकोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा कायदे से। देखो करना क्या है। हाँ बताओ, कहाँ कर रहे को है पहले यू बताओ, करना क्या है वो ध्यान से सुनो। हाँ बताओ, कान खोले। अरे पागल सुन रहे हो, हमें मालूम है। देखो वो जब जो मेहमान आया है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, और तुम्हें सिर्फ काम ये करना है कि मेरी झूठी इज्जत लूटनी है। ये काम आए कि ऑफर आ दे रहे हो? अरे ये काम है। हाँ हम लोग जैसे तुम्हारी झूठी इज्जत लूटे लगी। हाँ हो सके तो मान लियो, कुछ माने गुस्सा गर्मी में बहुत मारोगी। अब हुए एक बात, चाहे मारो चाहे कटवाइन। और हाँ याद रहे, जब इंस्पेक्टर अर्जुन आ जाए तब तुम दोनों यहाँ से निकल लेना। पैसा मैं आगे दूंगी तब तो ठीक बना। ए मैंने 100 रुपया हुआ दे दियो, मान लियो शीशी दारू ले लिया। तुम दारू पीते हो? आओ का चार थोड़े अंडा तो ला लिया, बढ़िया नाश्ता पा। अरे तुम टाइम हो रहा है, काम ये करो। काम ठीक गिरा दे। गिरा के नहीं पहुड़ा है, पहुड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। पकड़ भैया पकड़, तुम चिल्ला फिर। हाँ चिल्ला रहे हैं फिर, लेकिन हाँ ध्यान रहे, अर्जुन आएगा तो तुरंत भाग लेना, मिलबे न करते। अरे बड़े भैया रे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जाओ जाओ। साले वर्दी पहन रखा है, शर्म नहीं आई है? आगे बढ़ साला इशारा कर रहा है। अरे मैं क्या जानू, कौन कह रहा है जाने को? तुम्हें जाने को कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? साले बेवकूफ समझते हो। आगे बढ़ो। अरे मुझे क्या मालूम है, यहाँ आगे बढ़। यार तू नहीं नजर कर रहे हो तो तुम लोगों की जिंदगी में लानत है, शर्म नहीं आती है? ये वर्दी पहनकर रक्षा किया जाता है, है? शर्म नहीं आई इस अरे कभो भूजे आलू खाए है, अंडा खाए हैं, दारू पी हैं। दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, यहाँ से निकल जाओ। आई नो स्मोकिंग बस। कहाँ जा रहे हो?
कौन हो? तुम्हारा काम क्या है? चौकीदारी करो। तुम्हारा काम क्या है? चौकीदार हो, चौकीदारी करोगे। कोई किसी को छेड़े और तुम खड़े होकर देखो। और दीदी अब यहाँ क्या कर रही है? अरे तो अच्छा हुआ कि हम आ गए यहाँ पर, आवाज सुना और उसके बाद में भागते हुए आया। काश अगर मैं नहीं आता तो, अगर नहीं आते कोई बात नहीं है, आप जाइए, आपके भाई साहब इंतजार करते होंगे, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। लेकिन आप अगर नाश्ता किए हुए, अरे नाश्ता नाश्ते की जरूरत नहीं है। क्यों? पहली बार मैंने आपकी ड्यूटी ज्वाइन किया है, समय पर पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं? मैं जानती हूँ। क्योंकि तुम नहीं जानती कि आपके भाई ने वो काम सौंपा है कि जब तक वो काम पूरा नहीं कर लूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन अरे मेरी बात तो सुन लो, दो मिनट। क्या बात सुन? अरे तुम तो ड्यूटी पे जा रहे हो, पर लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि भैया ने मुझे नाश्ता बनाने के लिए कहा और वो नाश्ता मैंने बना दिया। वो अगर आप नाश्ता नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। वो भैया आपने भाई को नाश्ता करवा देना, क्योंकि मैं समय पे पहुँचना चाहिए, मुझे बहुत पहला दिन है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ जल्दी कहो। और चा तेरी जिगर में समाने इसीलिए मुझे रोका था। जी हाँ, यही नाश्ता कराने के लिए। यही तो नाश्ता है मैं। और जाल उल्फत का मुझ पर, और जाल उल्फत का मुझ पर बिछाने यही कहेंगे अर्जुन को मैंने शरण दिया, उसकी मदद किया और वही मेरे साथ विश्वासघात किया। देखो रही बात भैया की, तो भैया को मैं समझाऊंगी। मतलब तुम्हारे भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते, तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारी खुशी में उनकी खुशी है। क्यों नहीं? तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? जी हाँ। फिर आ जाओ। क्या बात है? Thank you.
प्रताप जहाँ कहीं भी हो नाल के ऊपर बस। आइए देखते हैं दोस्तों, कल का भोला भाला वही करण आज विकराल रूप धारण करके चंबल घाटी में दहाड़ रहा है। देखिए कहाँ जाता है, क्या करता है, तमाशे पर गौर कीजिएगा। आग लगाया है, आग लगाया है तूने मेरी दुनिया को, जलाकर राख किया है मेरी खुशियों को। बच करते बचा सकता है तो बचा अपने आप को। करण तेरी मौत बनकर आ रहा है, तेरी मौत बनकर। नहीं करने ठाकुर को बाद में मारेगा तू, सबसे पहले उस नागन का पता लगा जिसने तुझे एक्सीडेंट करके हर चंबल में फेंकवा दिया था। चल उसी चौराहे पर आज जहां तेरा एक्सीडेंट हुआ था, यकीन है मुझे कि वह मगरूर लड़की तुझे वहीं मिलेगी। सबसे पहले आज अपने दिन की शुरुआत उसी लड़की से करूंगा मैं। चल करण चल, हे भवानी, आज मेरे जंग की शुरुआत होने जा रही है। माँ मेरी रक्षा करना। जय भवानी। करण सपना की तलाश में निकल पड़ता है और सपना इस कोटी से गुनगुनाते हुए जा रही है। तमाशे पर गौर कीजिए। इतना तो याद है मुझे, किसे मारने जा रही है मैडम? सुना है कि तुम्हें अपने स्कूटर से लोगों का खून करने में बड़ा मजा आता है, आज किसे मारने जा रही हो? कौन है आप? आखिर आप है कौन? मुझे नहीं पहचान पाई हो? पहचानोगी भी कैसे, क्योंकि तुम तो मुझे मार चुकी हो। तुम्हारी नजर में तुम्हें मर चुका हूं, लेकिन जिंदा हूं सिर्फ इसलिए अगर मैं मर जाता तुम्हें कहा क्या? अभी होशियारी करने की कोशिश भी मत करना मैडम, वरना ये गोरी गोरी चमड़ी है ना, रच खरच कर जमीन पे उतार दूंगा। चलो चुपचाप मेरे साथ, भला इसी में तुम्हारी। मंगल सिंह कहिए सरदार जी। न मालूम क्या बात है, करण सुबह से लापता है। हाँ सरदार जी। वो कहाँ गया है
कुछ मालूम नहीं। आओ हम इंतजार करते हैं, हमें डर है कहीं हमारे दुश्मन के हाथ तो नहीं लग गया। क्यों नहीं सरदार जी, आओ चलिए। एक लड़की को कंधे पर लाया उठा, एक लड़की शर्म रखवा चूलों को दीना, अब सभी ताल पर क्या यही दांत सिखाया तुझे। हमने तुझसे क्या कहा था कि नंबर एक मेरे ग्रोह का कोई भी ग्रोही शराब नहीं पिएगा? नहीं पीता। नंबर दो, मेरे ग्रोह का कोई भी ग्रोही तवाइफ के कोठे पर नहीं जाएगा? नहीं जाता। और नंबर तीन, मेरे ग्रोह का कोई भी ग्रोही किसी माँ बहन अबला को नहीं सताएगा? अबला को भी कोई नहीं सता सब। तो अच्छा क्यों किया तूने? अच्छा बोल। जानना चाहते हैं आप, जिसे आप अबला कह रहे हैं वो अबला नहीं, एक विषैली नागन है। सुना? तो सरदार, सरदार इससे पूछो ये फिर भी कली जंगल के शेर है और शेर को बकरियों का शिकार शोभा देता है क्या? देता है वक्त आने पर। बोल रहा है तू, शायद तुझे यह ज्ञान नहीं है कि कोई भी चालक अपने सवारी से किसी को नहीं मारता। हो सकता है इत्तेफाक है, इसके स्कूटी के नीचे आप आ गए हो तो खून करने का नहीं जानते भैया। इसका भोला चेहरा देख रहे हैं आप, मिसली नागन है, जानते हैं कौन है ये? मैं पूछूंगा। शांति शांति, कसम पूछो वरना गोली से पूछो। ऐसे साइड ये चंबल के बेटों का टेलर है, अंजाम बड़ा भयानक होगा। या तो जो मैं पूछूं उसे साफ साफ बता, नहीं जितनी खूबसूरत है उतनी बदसूरत बना दूंगा, कुत्ते पेशाब करेंगे तेरे मुंह पर। याद रहे, या तो जो मैं पूछूं उसे साफ साफ बता। सुन रही है? पूछेगा। तन एक लड़की, बता तेरा नाम क्या, नाम और ग्राम मुझको सही दे बता। झूठ बोली तो तेरी अब नहीं खैरियत, मार को से चमड़ी उड़ा दे। टेहरी गढ़वाल Thank you.
उसके पहला से बदला चुका। वाह रे मेरे शेर वाह, मतलब इसका भाई तेरी बहन के साथ बलात्कार किया तो तू भी वही करेगा, तो तुझमें और उसमें फर्क क्या होगा? मैं पूछता हूँ तुझमें और उसमें फर्क क्या होगा? मुझे कुछ पता नहीं भैया, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है। शांति करने शांति, मैं समझता हूँ तेरे सीने में ज्वाला भड़क रही है। मेरी बहन, अरे साली धरा मतलब मेरी बहन तड़पी है, इज्जत लूटा है मेरी बहन की, इसके भाई और बाप। करण एक बात भूल रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि काश इत्तेफाक है तू इसके गाड़ी के नीचे आ गया हो। ऐसा नहीं है, पहले इस तक पूछ तो सही, जिस समय हमारी बहन रमा की आबरू लूटी गई उस समय ये थी या नहीं थी? कैसे ये तेरे? वाह वाह सरदार, वाह भैया, 20 साल चंबल की बिहाड़ों में, इन बिगड़ों में खाक छानने के बाद भी इतनी अकल नहीं आई आप। अफसोस हो रहा मुझे कि आप मेरे बड़े भाई और चंबल के शेर कहलाते हैं। अरे जिस वक्त किसी गरीब की बहन बेटी की इज्जत टूटी जाती है ना, उस वक्त ये धनवान ये दौलतमंद अपनी हवेली की छत पर बैठकर उसकी लुटी हुई इज्जत का तमाशा और वही क्या होगा? ऐसा नहीं है करण, तो क्या समझता है रमा का दर्द मेरे दिल में नहीं है, मेरे बेटी का दर्द मेरे दिल में नहीं है? पहले एक बारी से पूछ तो सही, हो सकता है तेरे हाथों पे गुनाह की मौत हो जाए तो क्या अपने आप को माफ कर सकेगा तू? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप ही पूछ लो, अगर झूठ होगा कुछ नहीं कहूंगा, नहीं मारूंगा। पूछो। चल मैं पूछूंगा। आगे बढ़। जी सरदार, एक बात बता, जिस समय हमारी बहन रमा की आबरू लूट गई उस समय तू कहाँ थी? उस वक्त मैं कॉलेज में थी सरदार जी। ये सत्य है? जी हाँ। और करण का एक्सीडेंट जब चौराहे पर तूने किया तो लेके अपने घर गई थी या वहीं छोड़ दिया था? सरदार जी, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है उसी वक्त मैं इनको लेकर अपनी हवेली गई। रुक जा करने, हाथ मत चलाना, तुझे तेरे भाई की कसम है। बोल। और मैं जब हवेली पहुंची तो मैं अपने भैया से कहा कि भैया जाओ जाके इनकी दवाई करवाओ। मेरे भैया इन्हें ले गए और जब वो वापस आया तो मैंने भैया से पूछा कि भैया वो मुसाफिर कहाँ, उनकी तबीयत कैसी है? मेरे भैया कहने लगे कि बहन सपना मैं क्या बताऊं, मैं उस मुसाफिर को रास्ता रास्ता ले जा रहा था, अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और दर्द होते होते वहीं पे अपना दम तोड़ दिया है। ये सत्य है? जी हाँ यही सच है। खा कसम, मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ। भगवान नहीं है, हम भवानी माँ के बेटे हैं, हम अपनी माँ से भी ज्यादा अजीज भवानी माँ को मानते हैं, इसलिए खा भवानी माँ की कसम। ये सत्य है? मैं भवानी माँ की सौगंध खाती हूँ सरदार जी। चल पीछे हट। करण आगे बढ़। अभी भी तुझे शक है तो जा टेरी करवा और पता लगा। काश अगर इसकी साजिश है तो इसे मेरे सामने गोली मार देना, और अगर ये बेगुनाह है तो जिस तरीके से तूने जमाने में रुस्वा किया है इसे तुझे अपनी दुल्हन स्वीकार कर।